श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके दिखाऊंगी। इसके साथ ही साथ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें कितना बड़ा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, इन सब की जानकारी मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए हमें जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है वह इस प्रकार है। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा गंगा जल लेना होता है और थोड़ी सी पीसी काली मिर्च और मिट्टी। मिट्टी आप अच्छे स्थान की मिट्टी लें, जैसे बेल वृक्ष के नीचे की मिट्टी, पवित्र नदी तालाब की मिट्टी ले लें। उसे अच्छे से देख कर कंकड़ पत्थर हटा लें और गंगा जल मिलाकर और थोड़ी सी काली मिर्च मिलाकर मिट्टी को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। अब सबसे पहले हम एक थाली पर बेलपत्र को रखेंगे। बेलपत्र का चिकना वाला भाग ऊपर की ओर होना चाहिए। अब हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सबसे पहले लिंग का निर्माण करेंगे। लिंग का निर्माण करने के बाद उसके बाद हम पुनः ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पीठिका का भी निर्माण करेंगे। पीठिका का निर्माण कर लेने के बाद पुनः ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हम नागदेव का निर्माण करेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव का पार्थिव पूजन सबसे पहले राम जी ने किया था। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने लंका पर कूच करने से पहले भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग की पूजा की थी। कलयुग में भगवान शिव का पार्थिव पूजन कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप ने किया था, जिसके बाद से अभी तक शिव कृपा बरसाने वाली पार्थिव पूजन की परंपरा चली आ रही है। शनिदेव ने अपने पिता सूर्यदेव से ज़्यादा शक्ति पाने के लिए काशी में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन किया था। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए अब यदि आपको इन स्थानों की मिट्टी नहीं प्राप्त हो पा रही है तो आप अपने घर में रखे हुए गमले की मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि वह मिट्टी तुलसी जी के क्यारे की ना हो, क्योंकि तुलसी जी के मिट्टी से हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं करते हैं। इसलिए आप तुलसी जी की क्यारे की मिट्टी का प्रयोग पार्थिव शिवलिंग में कतई ना करें। शिव महापुराण के अनुसार कलयुग में पार्थिव शिवलिंग का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो भी भक्त मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिवलिंग का पूजन और रुद्राभिषेक करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब इसके बाद हम 11 मिट्टी की गोलियां बना लेंगे। ये गोलियां ब्रह्मा जी के आंसू के नाम से जानी जाती हैं और पार्थिव शिवलिंग में इन गोलियों को अवश्य रूप से बनाना चाहिए। बहुत बड़े शिवलिंग का हमें निर्माण नहीं करना है, बस अपने हाथों को जैसे थाली में रखते हैं बस इस अंगूठे को बड़ा कर लेते हैं। बस इतनी ही आकृति का हमें शिवलिंग की आवश्यकता होती है। तो इस तरह हमारा पार्थिव शिवलिंग तैयार हो जाता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।